जेई बहुत हार्ड है, ये एक सवाल होता है बच्चों का, सर इस जेई बहुत हार्ड है। अब इसका मिक्स आंसर है भाई, अगर तू पढ़ाई करे, कंसिस्टेंट रहे, रोज टीचर्स की बात को फॉलो करे, डेली बेसिस पे जो तुझे टास्क असाइन हो रहे हैं वो करे तो आसान है। हाँ, इतनी आसान है कि बहुत सारे बच्चे ये काम करते करते बीच में खेलने कूदने का टाइम, मूवी देखने का टाइम भी निकाल। बट हाँ, पैरेलल में एक बहुत बड़ा मास, बहुत बड़ा क्राउड एक ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, कैसे नंबर लाएं, शॉर्ट में कौन सी वीडियो देखे, कैसे नोट्स बनाएं या ना बनाएं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, तो उनके लिए जेई डिफिकल्ट है। तो जेई हार्ड है तो इसका मैं एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकता, डिपेंड कि आपके एफर्ट किस मैग्नीट्यूड के हैं और आप जेई को कितना सीरियसली लेते हैं। बीइंग ए ड्रॉपर मेरे ख्याल से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जेई एडवांस ही है, या जेई मींस आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो जब एक बार सोच ही लिया है कि वहां पहुंचना ही है, अब चाहे रास्ते में सर आप फूल बिछाओ, कांटे बिछाओ, अंगारे बिछाओ, हमें तो उस पे चलना ही है। तो इसका कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, ठीक है। अच्छा, हार्ड इस वजह से नहीं है, मैं ये तो जरूर बोलना चाहूंगा कि सवाल बड़े डिफिकल्ट आते, सवाल किस लेवल के पूछे जाते हैं, उनकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, वहां तक कैसे सोच पाओगे, ये सब जिम्मेवारी मेरी। हाँ, दूसरी कुछ जिम्मेवारियां आपके हिस्से में है, दैट इज कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर लेक्चर देखना, नोट्स बनाने, होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। किसी भी हालत में कोई चैप्टर डिफिकल्ट आया, कोई मूवमेंट डिफिकल्ट आई, वहां से डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सब मूवमेंट आपके हाथ। दोनों अपनी अपनी मूवमेंट पकड़ के चलेंगे तो जेई बहुत आसान। जर्नी थोड़ी लंबी है तो उसके बेसिस पे आप इसको डिफिकल्ट बोल सकते हो, बट सवालों के बेसिस पे डिफिकल्ट मत बोलिए। SMJ बहुत बहुत लव यू। क्या मेरा जेई क्लियर हो पाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चे जनरली अपने टीचर से पूछना चाहते हैं, सर क्या मैं एलिजिबल हूँ? यस सर, इसका आपने एब्सोल्यूट आंसर दे दिया। हाँ जी, मैं आपको जानता भी नहीं, आपके बारहवीं में कितने परसेंट आए। हाँ, कुछ लोग 75% का मुझसे पूछ रहे हैं, तो भैया जिनका 75% से कम है बारहवीं में, वो अपने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरिए प्लीज। ओवरऑल 75% भी होने चाहिए आपको, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिलाकर भी आपके 75% होने चाहिए। पहले उस चीज को नक्की कर लो, सबके इम्प्रूवमेंट फॉर्म अलग अलग टाइम पे निकलते हैं हर एक बोर्ड के, तो आप अपने स्कूल से कनेक्ट कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी डाइसी सी स्टेटमेंट है जो मैंने बोली है, आप इस पर स्कूल वालों की राय और ऑफिशियल जो CBSE बोर्ड या जो भी आपका बोर्ड है उसका जो नंबर होता है, मेल ID होती है, उस पर आप मेल करें, ठीक है। NTA में भी पता करें, जे एडवांस वाली साइट पर भी मेल करें, फोन करें, वहां से आप एब्सोल्यूट आंसर जानने की कोशिश करें। बट यस, जितनी मेरी नॉलेज है आपको 75% लाने पड़ेंगे, उसके लिए अगर किसी वजह से नहीं रह पाए, नहीं ला पाए हो, तो उसको कंप्लीट कीजिए विद द हेल्प ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। 80% है, बहुत बढ़िया। सर क्या मेरा जेई क्लियर हो पाएगा, तो आंसर इज यस, विदाउट नोइंग योर बैकग्राउंड कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपने अब तक कैसा पढ़ा है, तो आंसर इज यस। इस यस में बहुत सारी हार्डवर्क छुपी हुई है, अगर वो आप एलिजिबल हो, अगर वो आप हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हो कि हाँ सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्लियर आंसर इज यस। इनफैक्ट सिलेक्शन ही नहीं, रैंक भी आई, ठीक है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मार्केट में घूम रहे हैं, बच्चे जिनके हमारे पास में कांटेक्ट है, वैसे तो हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं बट बहुत कम ही अपना रिजल्ट लेके हमारे तक पहुंच पाते हैं, तो जो जिनसे हम बात करते हैं वो बोलते हैं यस सर, ये था मेरी पुरानी स्टोरी, जब वो सुनाते हैं बोले सर ऐसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फिर एक दिन रियलाइज हुआ, फिर मैं ट्रैक पे आया, मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, मेरे नंबर आने स्टार्ट हुए, मेरे टेस्ट मैंने दिए, उनको एनालाइज किया, मैं रिवाइज करता गया और धीरे धीरे से जेई क्लियर हो गया, मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतनी बढ़िया रैंक आने वाली है। तो अब इन एग्जांपल्स को देख के लगता है कि अगर आप टाइमली मेहनत करना सीख जाएंगे तो आप तुरंत जेई के गेट तक पहुंच जाएंगे। तेरे अंदर तेरे को लग रहा है कि आ गया भाई, कि मुझे अपनी गलतियां रियलाइज हो गई है, बट मुझे पढ़ाई करनी है और इस बार मैं कुछ ना कुछ अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, तो थोड़ा सा